तो गाइस देखिए, हम लोग जा रहे हैं, रात का 1:30 बज चुका है, अजमेर के लिए रवाना हो रहे हैं हम लोग सभी लोग। तो सब एक्साइटेड है, रात के 1:30 बजे सब उठ के आए हुए हैं। ये हमारी कार है और हम स्टेशन में पहुंचेंगे। इसके बाद स्टेशन में पहुंच के आपसे मुलाकात करते हैं फिर से। इलाहाबाद स्टेशन में पहुँच चुके हैं, ये देखिए गेट नंबर 3, ये हमारी गाड़ी जा रही है। और भाई आप कहाँ जा रहे हैं? अजमेर जा रहे हैं। अजमेर में क्या करेगी? अजमेर में इनसे पूछ लीजिए। ये हम लोग स्टेशन में पहुँच चुके हैं, एक ट्रेन जा रही है और उसके बाद सब चलते हुए, कोई को नींद नहीं आ रही है। ये देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट है अभी आमिर की। ये मोबाइल चला रहे बाबा बुल्ली, आप लोग जानते हैं बाबा बुल्ली को। आए थे ना अभी, आप आए थे। हमारा प्रयागराज स्टेशन है जो कि काफ़ी बड़ा है। इसका कई प्लेटफॉर्म है, सबका अलग अलग रूट है। हम लोग अंदर जा रहे हैं अभी, ट्रेन आने में अभी 1 घंटा बाकी है, उसके बाद ट्रेन में बैठेंगे 1 घंटा बाद। यहाँ पे चार्ट आ गया है, रमीज की जगह कमीज नाम लिखा हुआ है, कमीज हुआ, बाकी सब सही है। ये बीच में हो गया भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? रमीज की जगह कमीज लिखा गया है, ये सब गलत काम है। देखिए ये गलत काम हो गया है एकदम बिल्कुल। पहली बात तो हमारी जो ट्रेन थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली थी, फिर उसके बाद परिवर्तन किया गया, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हम लोग आए। अब इनको बड़ा अफसोस हो रहा है, रमीज की जगह कमीज नाम लिखा चुका है। रमीज भैया आप ये बताइए कि आप अजमेर जा रहे हैं, आपको खुशी है या क्या? खुशी तो बहुत है लेकिन क्या बताएं, आपको टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ। टिकट कंफर्म तो नहीं हुआ, ये बात तो है। अरबाज अली भाई बुल्ली बाबा, हम तो सोचे भाई इसमें बहुत बड़ी अपने अरबाज भाई का नाम टीवी पे आ गया, ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज हो गई है। ये आमिर भाई जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं, घुसिए आप भी। आमिर भाई आप भी थोड़ा घुस जाइए यहाँ पे। गाइस देखिए हम लोग आए हैं, 4 बजे की ट्रेन है और पूरी 1.5 घंटा लेट है ट्रेन। यहाँ पे सबका शकल उतर गया है, आए थे खुशी, जा रहे दुखी दुखी। 1.5 घंटा लेट हो चुकी ट्रेन, अब ट्रेन आ रही है चुके हैं यहाँ पे अनन्या एक्सप्रेस जो कि काफ़ी लेट चल रही है। और हम लोग खड़े हैं यहाँ पे अनन्या एक्सप्रेस। अजमेर जैक्सन में हम लोग आ चुके हैं, बहुत थकाई लग चुकी है, एकदम हालत खराब है। ये देखिए बिहारी, अजमेर जैक्सन ले ले वहाँ ले, सही है अजमेर आए ना, पहली बार तो हवा यार में छोड़ देंगे। अजमेर जंक्शन का रेलवे स्टेशन है और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। काफ़ी ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पे। अरे दरगाह पे यहाँ पे देखिए आमिर भाई का मूड बड़ा अपडेट है, आमिर भाई भी है और हम सेल्फी स्टिक का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे
सेल्फी स्टिक यूज़ करने में अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, पब्लिक बहुत है और मैं अभी नया नया व्लॉगर हूँ यहीं से। और इसके बाद हम जाएंगे अना सागर। हम लोग आ चुके हैं अढ़ाई दिन की झोपड़ी, इसके पीछे का बहुत बड़ा राज है, अढ़ाई दिन में ये बना था और आप लोग को ये यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसका डिज़ाइन देखिए आप लोग, कोई कहेगा ये अढ़ाई दिन में बना था? ये देखिए अढ़ाई दिन की झोपड़ी का पूरा अंदर का सब हर चीज़ है टू जेड। अरे आजान हो रही भाई। आना सागर में 25 रुपये टिकट लगने लगा है और इनका लोग का मूड खराब हो गया है कि आना सागर पे फिर से कब्जा हो चुका है। क्या करेंगे यार, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो लग रहा था यार, 2 साल पहले आए थे, 2 साल पहले आ रहे, एक क्या नहीं लग रहा था। आप फिर से लगने लगा है 25 रुपये पर हेड टिकट, तो आप लोग जान लीजिए आना सागर पे भी कब्जा हो चुका है। यहाँ पे देखिए गाइस, ये आना सागर का पार्क कुछ बनाया गया है, उसके बाद ये काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में। और आगे आना सागर में अभी आपको दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, देख रहे हैं ना, चमगादड़ ही चमगादड़ है। और सामने का व्यू बहुत खूबसूरत है, आप लोग को दिखाते हैं आना सागर। अभी धूप थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मौसम अच्छा होता बहुत खूबसूरत लगता। ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, ये सब हमारे ग्रुप के बैठे हुए हैं। भाई हम लोग तारागढ़ पहुंच चुके हैं, तारागढ़, और यहाँ पे करबला, एकदम करबला लग रहा है, बहुत खूबसूरत बना है। ये करबला लग रहा है, एकदम पूरा करबला बना हुआ है, बगदाद शरीफ। ये तारागढ़ का मजा। हाँ अल्लाह, वीडियो बना रहा है। हाँ तो रहे, अरे वाह, आईफोन में वीडियो तो बहुत अच्छी आती है। हम लोग पहुँच चुके हैं तारागढ़। भाई बाबा बुल्ली को आप जानते ही हैं, कई वीडियो में आ चुके हैं और इनके साथ हम लोग आ चुके हैं अजमेर। तारागढ़ पीछे मजार दरगाह है, वही फातिया पढ़ के हम लोग जाएंगे। अब इधर से निकलेंगे हम लोग सीधा जयपुर के लिए, कल जयपुर के लिए निकलेंगे कल सुबह। ये है व्यू पूरे अजमेर का तारागढ़ से ऊंचाई पे, सिर्फ यहाँ से पैदल जाते जाते अजमेर आप लोग पहुँच जाएंगे दूर दूर से। कहीं व्यू का एक घंटे लगेंगे आपको, चाहे नीचे पहुँचेंगे चाहे ऊपर जाएंगे, कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे आप लोग। हां कहीं जाकमा हमें देखिए टाइम पावे आकमा से।
अच्छा व्यू आवे थे। ये है रात का व्यू फ्रॉम तारागढ़ अजमेर शरीफ में। मोर लाइट जाहिल कनी का मोर लाइट रिजवाय। देखो ये भाई कातिब भाई गाड़ी चला रहे हैं। हम लोग इधर आए थे अजमेर में आ गए हैं। अजमेर में हम लोग जा रहे हैं पुष्कर, पुष्कर जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा रास्ता का कंफ्यूजन है। कासिम भाई का बहुत मन था पुष्कर जाने का, लेकिन पुष्कर वो सैंड आर्ट है, मुझे पता चला है सैंड आर्ट। वही सैंड आर्ट देखने जा रहे हैं मेरा मेन, वही सैंड आर्ट। इधर हम लोग पुष्कर जाने वाले हैं। देखिए इधर पहाड़ का सीन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो साढ़ है साला, ये देखो भाई लोग आ रहे हैं, देखो हीरो की तरह आ रहे हैं दोनों भाई लोग। देखिए देखिए जा रहे हैं यहाँ से पुष्कर। अब पुष्कर के लिए निकलेंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे सैंड आर्ट, जो कि पुष्कर में बहुत मतलब फेमस है। एक तरीके का आर्ट है जो पूरे रेत से बना हुआ होता है। काशिफ भाई का बहुत मन था पुष्कर जाने का, मेरा तो पुष्कर जाने का बहुत मन था, लेकिन अब ये देखो दोनों भाई आ गए। ये तो कितनी खूबसूरती से सैंड आर्ट बनाया गया है। अंदर आ जाओ, 50 रुपये चार्ज लगेगा बस। वहाँ पे तो फ्री एंट्री लिखा हुआ है। हाँ, फिर देखना फ्री, आप फोटो वीडियो नहीं ले। अरे ब्लॉगर है भाई, यूट्यूब चैनल है। अरे तो यार भैया 50 रुपये तो चार्ज सभी का आप कर। चलो भैया हमें अंदर ज़्यादा नहीं जाना है ना है? ज़्यादा अंदर नहीं जाना, बस इतना लेने के बस। धूप बहुत तेज होना, पूरा भी अलाउ नहीं करते, लेकिन हो गया आप अलाउ कर दिए बस। आपका नाम क्या ये बता दीजिए? मेरा हेमेंद्र सिंह नाम। हेमेंद्र सिंह, हेमेंद्र भैया अलाउ किए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लोग के लिए। वैसे अलाउ करते नहीं है ये हमने आपको जिक्र किया था पुराने वीडियो में कि सैंड आर्ट देखना है। गर्मी बहुत पड़ रही है वरना पूरा टूर करते पुष्कर का। पुष्कर में आए थे, यहाँ पे हर चीज तो मतलब सही है, काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी भाई का ये कहना है कि कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, बस ये गन्ना का जूस मिल रहा है और वहाँ पे बर्फ का गोला मिल रहा है और यहाँ पे थोड़ा चिप्स मिल रहा है, लेकिन इसके बाद कोई चीज नहीं दिख रहा है। राजस्थान अभी वैसे का वैसा ही राजस्थान है, समझ लीजिए आप लोग। गन्ना का जूस बन रहा है जो कि थोड़ा बहुत एनर्जी दे देगा, बट राजस्थान गर्मी के लिए नहीं है भाई। राजस्थान गर्मी में आओगे तो पुष्कर मत आना कभी, क्योंकि मैंने बस वीडियो में आप लोग को बता दिया था कि पुष्कर बना मतलब पुष्कर जाएंगे तो आना पड़ा, वरना हम भी आते ना पुष्कर। इतनी गर्मी है भाई साहब कि यहाँ पे अगर 5 मिनट रुक जाओ तो फ्राई हो जाएगा इंसान का दिमाग। शामिल भाई पुष्कर कैसा लग रहा है आपको? और यहाँ पे क्या बन रहा है भैया? ये शरबत बन रहा है भैया। शरबत बन रहा है, मतलब किस चीज़ का शरबत है? गुलाब का शरबत बन रहा है और ये शरबत दोनों मिक्स करके खट्टा मीठा दोनों रहता है। खट्टा मीठा दोनों रहता है, मतलब यहाँ पे आएंगे आप लोग तो गन्ना जूस ठंडा ठंडा पीने को मिलेगा, शरबत मिलेगा और इसका मजा ही अलग होता है इतनी गर्मी में ये सब पीने का। मसाला डालो, मसाला हल्का बहुत नहीं से। यहाँ पे हम और आमिर सामी रमीश सब खड़े बस के इंतजार में, बस अभी आएगी और हम लोग निकलेंगे यहाँ से दिल्ली। और जयपुर कैंसिल हो गया है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हम लोग जयपुर कैंसिल कर दिए हैं गर्मी की वजह से। जो पुष्कर में क्या क्या नाम था, पुष्कर में हालत हुआ था वो लोग, वो तो आप लोग जानते ही हैं, इसीलिए जयपुर कैंसिल हो गया।